Student, let's start today class. In this class, we will read about talking about change. कि change जो हैं वो कितने तरह के होते हैं. तो आइए start करते हैं. Number one is change for the better. It means कि change कुछ अच्छे के लिए होना. तो example देखते हैं. He does not watch junk movie anymore. It is a change for the better. कि अब वो junk movie बिल्कुल भी नहीं देखेगा. तो ये जो change हुआ वो किसके लिए हुआ? Better के लिए. सेकेंड पॉइंट इज चेंज फॉर द वर्स. इट मीन्स कि चेंज कुछ अच्छे के लिए किया करना चाहता था, बट वो चेंज क्या हो गया? बैड के लिए हो गया. फिर एग्जाम्पल कि उसने जो इसमें बता रहे हैं, शी हैज स्टार्टेड रीडिंग नॉवल्स बट इट इज़ अ चेंज फॉर द वर्स एंड शी रीड्स देम मोर देन हर स्कूल बुक्स. कि जो गर्ल थी उसने स्टार्ट की रीडिंग नॉवल्स बुक्स, नॉवल्स बुक को पढ़ना शुरू किया. ये तो अच्छी बात है, लेकिन उसने इतना ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिया कि उसने अपने स्कूल्स की बुक को कम कर दिया. तो ये जो चेंज हुआ, ये इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? बैड रहा. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज चेंज विद द टाइम. टाइम के अकॉर्डिंग मतलब समय के साथ साथ चेंज होना, और जो चेंज हुआ उसको एक्सेप्ट भी करना. जैसे एग्जांपल, अवर स्कूल इज़ चेंजिंग विद द टाइम. कि समय के अनुसार हमारा स्कूल जो है वो बदलता जा रहा है. अब हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर लैब जो हैं, और कंप्यूटर लैब में इंटरनेट कनेक्शंस भी पाए जाते हैं. नेक्स्ट इज़ फॉर अ चेंज. फॉर अ चेंज मीन्स कि कुछ अलग करने के लिए चेंज. तो इसमें बोला है कि यू ऑलवेज वेयर साड़ी, कि तुम हमेशा साड़ी ही वेयर करती है, क्यों नहीं तुम सलवार सूट ट्राई करते. ठीक है, फॉर अ चेंज मतलब कुछ अलग करने के लिए चेंज होना. नेक्स्ट इज टाइम फॉर अ चेंज. टाइम फॉर अ चेंज मीन समय के बदलने के साथ साथ अपने आप को भी साथ साथ बदलना जरूरी होता है. फॉर एग्जाम्पल इज आई आस्क्ड हर इफ शी वांटेड केक फॉर हर बर्थडे. कि हमने उसे पूछा कि तुम अपने बर्थडे पर क्या चाहती हो, केक खाना चाहती हो. तो उसने कहा कि नहीं, समय बदल रहा है, क्यों नहीं पिज़्ज़ा ट्राई करते हैं. नेक्स्ट इज टाइम्स आर चेंजिंग. टाइम्स आर चेंजिंग मीन समय बदल रहा है. तो एक मैन जो है उससे चार्ज किए 500 रुपीस किसके लिए? टाई के लिए. तो एक वुमेन ने बोला कि अच्छा, एक मैन दे चार्ज 500 रुपीस फॉर दिस टाई. वुमेन ने बोला अच्छा, टाइम बदल रहा है, टाई की कॉस्ट अब 100 रुपया ही नहीं रह गई. सेवन पॉइंट इज सी चेंज. सी चेंज मीन्स मेजर चेंज, बहुत बड़ा चेंज. देर इज़ अ सी चेंज इन द चॉइस ऑफ करियर. मैनी यंगस्टर आर मोर इंटरेस्टेड इन MBA. अब क्या है, बहुत बड़ा चेंज आ चुका है. बहुत सारे यंगस्टर नौजवान जो हैं वो किसको पसंद करते हैं, कौन से प्रोफेशन को? ज़्यादातर MBA वाली लाइन को ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू सिविल सर्विसेज. और मेडिसिन की लाइन जाने से बेटर वो MBA वाली लाइन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं. नेक्स्ट लास्ट इज टाइम चेंज. टाइम चेंज मीन्स कि जैसे जैसे समय बदल रहा है, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना जरूरी होता है. एग्जाम्पल देख लेते हैं. द ओल्ड मैन स्कोल्डेड हिज ग्रैंडसन फॉर नॉट कटिंग हिज लॉन्ग हेयर. ही सेड दैट व्हेन ही वाज यंग ही हैड टू कीप इट शॉर्ट एंड ऑयल. तो जो ओल्ड मैन था, एक बूढ़ा व्यक्ति था, वो अपने जो ग्रैंडसन को बोल रहा है कि तुम्हारे इतने लंबे हेयर हैं, तुम इसे कट करवाओ. तो जो बच्चा और बता रहा था कि जब मैं यंग था अपने टाइम पे, तो मेरे जो हेयर्स थे वो बहुत ही छोटे और ऑयल लगा होता था. तो ग्रैंडसन ने आगे आंसर दिया कि टाइम चेंज ग्रैंडपा, कि अब समय बदल चुका है, बदल रहा है. ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये वाला सेशन हुआ कंप्लीट. इसमें आपको कुछ एक्टिव पैसिव वॉइस गिवन है, और एक्टिव पैसिव वॉइस एज आपने जैसे पहले ग्रामर में अगर किए होंगे, तो एक्टिव मीन्स कि कोई बात आपको डायरेक्टली बोलनी, एंड पैसिव मीन्स इनडायरेक्टली वे से बात कहनी. तो इसी के साथ रिलेट करते हैं एक्सरसाइज. इसमें आपने आइडेंटिफाई करना है एंड टिक द सेंटेंस दैट आर एक्टिव वॉइस, और टिक करना है जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं उनको टिक करना है, और उनको आइडेंटिफाई भी करना है. असेसमेंट वर्क आपको गिवन है, आपने असेसमेंट वर्क भी करना है. इसमें क्या है, सेलेक्ट द टिक द ऑप्शन दैट इज पैसिव वॉइस. इसमें आपने एक्टिव वॉइस को टिक नहीं करना, पैसिव वॉइस को सेलेक्ट करके उसको टिक करना है. ठीक है, इसी के साथ आपका